हम बात कर रहे हैं आईटीसी की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात की जाए तो 1% के ऊपर की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने 456 के लेवल से रिजेक्शन लिया है, दूसरी दफ़ा भी इसी लेवल से रिजेक्शन लिया है और रिजेक्शन लेने के बाद इमीडिएट 448 के सपोर्ट को ब्रेक डाउन दे दिया है। अब इस बाउंस बैक के साथ ये जो आए 456 का लेवल ऊपर की ओर ब्रेकआउट होना इम्पॉर्टेंट था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और वहाँ से रिजेक्शन लिया है। अब यहाँ से स्टॉक और गिरावट दिखा सकता है। अगर छोटा मोटा जंप आता है तो 445 तक का हमको जंप देखने के लिए मिलेगा, जहाँ से इससे पहले स्टॉक ने रिकवरी दिखाई थी। 445 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अभी और गिरावट, इसमें और गिरावट आती है तो 440 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। हम देख सकते हैं कि इसी लेवल से ऑलमोस्ट स्टॉक ने बाउंस बैक करके हमको 458 के टारगेट दिखाए थे। इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है 440 का लेवल। अगर इसके ब्रेक डाउन दे दिया तो फिर 434 का लेवल सेकंड सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन यहाँ हमको एक मौका बन सकता है आईटीसी में 440 के लेवल से पे एक मौका बन सकता है खरीदारी का। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। अगर यहाँ से बाउंस बैक होके 444 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो इसी सिचुएशन में 456 के लेवल को भी ब्रेकआउट कर सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट कर गया तो फिर 480 से लेके 500 तक के भी हमको टारगेट इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। खरीदारी की हुई है तो जब तक स्टॉक 434 के ऊपर है तब तक पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है।